हेलो क्रिकेटिंग वर्ल्ड, आपका स्वागत है गौस्तु पवार क्रिकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो आपने कभी देखे नहीं हुए या सुने नहीं होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो है सेल्फ असेसमेंट के बारे में। तो हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट क्यों करते हैं। सेल्फ असेसमेंट ऐसी चीज़ है जिसे आपको पता चला है कि आप कौन से लेवल पर खेल रहे हो और आपको क्या क्या करना चाहिए। यह आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिफरेंट चीज़ें थे। एक होती है सेल्फ असेसमेंट में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस रहेगा वो आपको लिखना है। इन स्किल्स एंड टेक्निक, इन फिटनेस में क्या क्या आता है, स्ट्रेंथ पावर स्पीड एंड एजिलिटी, ठीक है। एंड अगेन एक चीज़ होती है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ में भी लिखना है कि आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, कौन से सिचुएशन में आपको प्रेशर रहता है, ये सब लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखने के बाद में आपको अलग से लिस्ट बनाना है, उसमें आपको मार्क्स देना है, ठीक है। अगर मैंने लिखा, अगर पहला चीज़ है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है, जो भी आप ट्रेनिंग करोगे, अगर समझो पुल अप्स कर रहे हो या फिर डेडलिफ्ट मार रहे हो, जो भी आप जिम के चीज़ें करते हो, तो आपको वहाँ पे मार्क्स करना है कि आपका स्ट्रेंथ लेवल कितना है। तो आपको हाईएस्ट 10 नंबर, अगर समझो सबसे फिटेस्ट अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वी कैन नेम विराट कोहली, तो उनको 10 में रखना है, ठीक है। तो उनका और आपका डिफरेंस कितना है। अगर समझो विराट कोहली 10 है, अगर मैं मानूँ तो मैं ठीक है, चलो मैं 6-7 में कर दूँगा, क्योंकि वो बहुत फिट है और मुझे, मैं स्ट्रेंथ में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना वो है। पर अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बाद है, शायद मैं 9-10 में जा सकता हूँ और वहाँ पे 10 कोई अलग हो सकता है। तो सबका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग अलग चीज़ रहता है, तो आपको वो करना है। मेंटल स्ट्रेंथ में एक याद रखो, विल पावर भी आता है, क्योंकि विल पावर अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप ऊपर का लेवल खेल नहीं पाओगे। तो आपको विल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत कुछ चीज़ आती है। एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कैसे खेल पाते हो, प्रेशर सिचुएशन में कैसे, कोई आपको कोई स्लेजिंग कर रहा है, ठीक है, आपको कोई स्लेजिंग कर रहा है, तो वो टाइम में आपको कैसा बिहेव करते हो आप, ठीक है। आप उसको सुन के वापस उल्टा जवाब देते हो कि आप, तो आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, डर लगता है वो टाइम में स्लेजिंग कोई करेगा, आपको आपका फोकस निकल जाता है, तो आपको रेट करना है वो। या फिर आप बेटर खेल रहे हो स्लेजिंग में, कोई विराट कोहली ऐसा रहेगा वो बेटर खेलता है स्लेजिंग में, या ऑस्ट्रेलियंस स्लेजिंग में हमेशा अच्छा खेलते, तो वैसे आपको रेट कर रहा है सब मार्क्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हो गया, पावर हो गया, आपको सिर्फ बाद में रेटिंग करना है। अब में स्किल्स आ गए, स्किल्स में कौन कौन से शॉट खेलते हैं, जो भी शॉट्स आते हैं आपके आप बैट्समैन हो, देन स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, पुल शॉट, पैडल स्वीप, स्वीप लेट कट, स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, ये सब चीज़ें लिखना है, ठीक है। रैम शॉट, जो भी अभी नए नए चीज़ है, सब लिखना है आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाद में आप देन अगेन स्किल हो गया, देन स्किल में बॉलिंग में क्या डाल सकते हो, स्लो रन या और कर, आपका रन अप में भी आता है, लोडिंग कैसा होता है, ठीक है। आपका लाइन लेंथ, स्विंग बॉलिंग, अगर आप स्पिनर्स हो, जो भी है आपका लोडिंग कैसा है, आपका आपका टप्पा कैसा है, आपका स्पिन कैसा है। देन कम टू फील्डिंग, फील्डिंग में आपका थ्रो कैसा है, आपका पिकअप कैसा है, ठीक है, अंडरआर्म पिकअप एंड थ्रो कैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो, शॉर्ट डिस्टेंस थ्रो, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ लिखने के बाद आपके कोच के पास जाओ, उनको दिखाओ और बताओ कि ये चीज़ मैंने लिखी है मेरे बारे में, आपको क्या लगता है। या फिर कोचेस आपके स्किल्स के बारे में बता सकते हैं या मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आपका जो भी जिम में ट्रेनर रहेगा, जो आपका फिटनेस लेता है, उनसे आप फिटनेस के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। तो उनके मार्क्स और आपके मार्क्स के एवरेज आप लोगे एक, ठीक है, जो भी है आप आउट ऑफ 10, समझो 6 आपने 6 लिखा, ट्रेनर ने 5 लिखा, तो आप 5.5 एवरेज करके आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपने पहले दिन सेल्फ असेसमेंट किया, सब पॉइंट लिख दी, तो आगे क्या, तो आगे हम इम्प्रूव कैसे हो सकते हैं आपको सोचना है, बराबर। तो आपको हर एक चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, हर एक दिन कौन कौन सा पार्ट करना है, कभी स्ट्रेंथ करना है, कभी पावर, कभी स्पीड, स्किल्स, हम क्रिकेट खेलते हैं तो स्किल्स तो ऑलमोस्ट हर एक दिन में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा करते रहो और वापस एक हफ्ता, दो हफ्ता या फिर एक महीना
एक महीने के बाद वापस सेल्फ असेसमेंट करो कि देखो आप कितने इम्प्रूव हो चुके हो, आपका वीकनेस क्या, पता आपका वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है। वीकनेस को आप अंडर फाइव जो भी रहेगा, अंडर फाइव मार्क्स जो भी रहेगा आप वीकनेस में डालोगे, सिक्स के ऊपर आप स्ट्रेंथ में डालोगे। पर आपको थोड़ा खुद पे स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो आप लिख दोगे मैं 9 में हूँ, विराट कोहली 10 है, तो फिर वो मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आपको खुद पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए है। ठीक है, तो फिर आप तो जब भी एक महीने के बाद अगर समझो आपने लिखा, आपने इम्प्रूवमेंट हो गए, तो वहीं पे स्टॉप नहीं करना है, आपको हमेशा अपग्रेड होते रहना है हर एक चीज़ में। क्योंकि आप एक महीने में सब चीज़ नहीं सीख सकते हो, थोड़ा थोड़ा डेवलप होते जाएगा। तो सेल्फ असेसमेंट में ये सब चीज़ें आती है, अगर आप ये करोगे आपका क्रिकेट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। देखिए सेल्फ असेसमेंट ऐसा चीज है केपी की, इट्स आल्सो बीइंग एबल टू सेल्फ असेस। हर इंसान वो सेल्फ असेसमेंट कर नहीं पाता है, किसी किसी के पास वो गिफ्ट होता है, किसी किसी के पास वो मैच्योरिटी समय के साथ आता है, किसी किसी को लोग बोल बोल के समझते हैं, तो इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये सेल्फ असेसमेंट की जब आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये समझना कि सेल्फ असेसमेंट का सबसे पहला कदम है खुद को सवाल पूछना। आप खुद को असेस कब करोगे? जब आप खुद को सवाल पूछोगे। और वो सवाल क्या होगा कि अगर आप सोच रहे हो क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट के बारे में या लाइफ के बारे में, अगर आप खुद को ये सवाल पूछोगे कि यार मुझे अपने फील्ड में बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंसान, बेहतर इंजीनियर, चाहे जो भी हो, अगर मुझे बेहतर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा? अगर आपने वो खुद को सवाल पूछ लिया तो क्या होगा, आपका दिमाग आपको 100 जवाब देंगे। एक बताएगा कि यार आप जाके जंप मारो, आप जाके पुशअप मारो, आप जाके सिटअप मारो, आप जाके पढ़ाई करो, आप जाके एक्स वाई जेड करो। फिर क्या होगा, आप खुद को पूछोगे कि ये मुझे कितना करना है, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है ये मुझे कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके सहायता से करना है। जब आप खुद को ये सवाल पूछना शुरू करोगे, देन यू गेट ऑन टू द जर्नी ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट बोलना बहुत ईजी है कि यार खुद को असेस कर, खुद को समझ, बट वो समझने के लिए आपको किसी को सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर मैंने कुछ गलती किया है, वो गलती मैंने क्यों किया है, वो गलती मैंने कैसे किया है, वो गलती करते वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा था। तब जाके आपका दिमाग, इतना हमारा दिमाग इतना तेज है कि अगर आपने सवाल पूछ लिया तो ऑटोमेटिकली जवाब ढूंढता रहेगा। देन एज अ कोच, देन एज अ मेंटोर आपको समझना है कि ठीक है यार, इन सवाल और जवाबों में से सही जवाब क्या है और कौन सा जवाब उसको हेल्प कर सकते हैं, और उसके बाद यू गेट ऑन टू द जर्नी ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो थोड़ा सा टेक्निकल है और व्यूअर थोड़े बोर होंगे, बट जब सेल्फ असेसमेंट की बात करते और जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ऑलवेज बिलीव दैट इट इज डीप, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, इट्स नॉट समथिंग यू कैन जस्ट से। आप किसी को उठ के बोल नहीं सकते यार खुद को सेल्फ असेस कर और बेटर खिलाड़ी बन। उसके लिए एज अ कोच, एज अ मेंटोर, यू हैव टू नो जब वॉट पार्ट ऑफ हिम Do you want him to assess? What part of an individual, what part of me do I want to assess as an individual? किस पार्ट को मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ? अभी असेसमेंट बहुत चीज के बारे में होता है, लेकिन किस पार्ट के बारे में, चाहे मेरा ईगो हो, चाहे मेरा गुस्सा हो, चाहे मेरी खुशी हो, चाहे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो, किस पार्ट को मैं असेस करना चाहता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी टेक्निकल है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड सेल्फ असेसमेंट, बी वेरी क्लियर अबाउट विच पार्ट ऑफ यू वांट टू असेस, विच पार्ट ऑफ योर इमोशन यू वांट टू असेस, विच पार्ट ऑफ योर करियर यू वांट टू असेस, विच पार्ट ऑफ योर स्किल यू वांट टू असेस। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, जस्ट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, हाउ। खुद को सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेगा, और आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कौन सा जवाब चूज करो, स्पीक टू योर मेंटर, स्पीक टू योर फ्रेंड, स्पीक टू योर फैमिली, आपको उसमें कोई हेल्प कर सकता है। Thank you.
तो आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद आया। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्रिकेट में क्या अलग से कुछ सीखना है। और जो कुछ भी मैं बताता हूँ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर मुझे पता चलता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वजह से कोई सीख पा रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूले, तो आपको हमेशा जो भी नए वीडियोस आएंगे आपको मिलते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।